नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, सत्ता हस्तांतरण के पहले मतलब महागठबंधन सरकार को खत्म करने और एनडीए सरकार बनाने के पहले नीतीश कुमार कितनी तेजी में है। कल शाम उन्होंने कई आईएएस अफसरों का तबादला किया था और देर रात थोक भाव में 79 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले कर दिए। नीतीश कुमार की तेजी समझिए। और इन तबादलों में सबसे बड़े तबादले की बात कहें या प्रस्थापना की बात करें तो पटना के सीनियर एसपी राजीव मिश्रा, जिन्हें डीआईजी के रूप में प्रमोट किया गया है, वे डीआईजी के तौर पर एसएसपी के प्रभार में पटना में ही बने रहेंगे। यह बड़ी खबर है। देखिए, पटना के एसएसपी के पोस्ट को राजीव मिश्रा की तैनाती के लिए डीआईजी के पोस्ट के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है और राजीव मिश्रा डीआईजी कम एसएसपी पटना होंगे। आगे हम तबादले की बात करें तो देखिए, सुशील मान सिंह, ये एडीजी ऑपरेशन थे अभी, अब इन्हें एडीजी मद्य निषेध एक्साइज बना दिया गया है। अमृत राज अभी एडीजी मद्य निषेध थे, एक्साइज थे, इन्हें अब एडीजी ऑपरेशन बनाया गया है। राजेश कुमार आईजी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, अब इन्हें पुलिस महानिरीक्षक आईजी ट्रेनिंग बनाया गया है। एडिशनल चार्ज में ये आईजी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बने रहेंगे। एम सुनील कुमार ये आईजी हैं अभी और इनके जिम्मे गृह रक्षा वाहिनी मतलब होमगार्ड फायर सर्विसेज, अब इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आईजी केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती। राजीव रंजन देखिए, ये आईजी सिविल डिफेंस हैं, अब इन्हें आईजी मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण बनाया गया है। श्रीमती एस प्रेम लथा डीआईजी के रूप में प्रोन्नत की गई हैं, अब ये डीआईजी विजिलेंस ब्यूरो पटना होगी, बिहार होंगी। विनोद कुमार टू ये भी डीआईजी हैं और इन्हें अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस से डीआईजी ह्यूमन राइट्स बनाया गया है। मोहम्मद अब्दुल्लाह डीआईजी कम डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के, अब इन्हें डीआईजी विजिलेंस निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में तैनात किया गया है। श्रीमती मीनू कुमारी डीआईजी के रूप में प्रमोट हुई हैं, अब यह केंद्रीय मंडल में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की डीआईजी होंगी पटना में। राजीव मिश्रा के बारे में आपको हमने बता ही दिया। दीपक बरनवाल डीआईजी में प्रोन्नत हुए हैं, अब ये डीआईजी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होंगे। नीलेश कुमार डीआईजी के रूप में प्रमोट किए गए हैं, ये डीआईजी एडमिन मतलब हेडक्वार्टर बिहार पटना होंगे। मृत्युंजय कुमार चौधरी देखिए, ये भी डीआईजी के रूप में प्रमोट किए गए हैं, इन्हें डीआईजी होमगार्ड और फायर सर्विसेज बनाया गया है। तौहीद परवेज डीआईजी बने हैं, अब इन्हें डीआईजी रेलवे बनाया गया है। अभय कुमार लाल ये भी डीआईजी के रूप में प्रमोट किए गए हैं और इन्हें डीआईजी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच बनाया गया है। देखिए, अनिल कुमार ये अभी पुलिस अधीक्षक थे, एसपी थे, प्रमोट किए गए हैं डीआईजी में, अब इन्हें डीआईजी वायरलेस और टेक्निकल सर्विसेज बनाया गया है। अरविंद कुमार गुप्ता एडिशनल डायरेक्टर बिहार पुलिस अकादमी हाजीपुर थे, राजगीर थे, अब ये भी डीआईजी बन गए हैं, इन्हें अब डीआईजी कम डिप्टी डायरेक्टर बिहार पुलिस अकादमी राजगीर बनाया गया है। प्रमोद कुमार मंडल ये भी डीआईजी के रूप में प्रमोट किए गए, अब ये डीआईजी एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड होंगे मतलब आतंकवाद निरोधक दस्ता के डीआईजी बनाए गए हैं। विवेक कुमार देखिए, कमांडेंट बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस एक, अब ये एसपी मतलब एसपी लॉ एंड ऑर्डर बिहार पटना होंगे। और पुष्कर आनंद कमांडेंट है अभी बोधगया में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस तीन के, अब इन्हें पुलिस अधीक्षक बी स्पेशल ब्रांच पटना में तैनात किया गया है। हरकिशोर राय ये भी कमांडेंट है अभी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 16 पटना में, इन्हें अब एआईजी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बनाया गया है और इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है एआईजी ट्रेनिंग का। अवकाश कुमार दरभंगा के सीनियर एसपी, इनका ट्रांसफर कर दिया गया है, अब ये एसपी क्राइम होंगे अपराध अनुसंधान विभाग पटना में। देखिए, दीपक रंजन एसपी जहानाबाद, अब इन्हें समादेष्टा बनाया गया है, कमांडेंट बनाया गया है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस तीन बोधगया का, और एडिशनल चार्ज बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 17 बोधगया। सुशांत कुमार सरोज अभी एसपी
नौगछिया थे, अब ये एसपी बघा होंगे। दिलनवाज अहमद कमांडेंट बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कटिहार, अब इन्हें कमांडेंट बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 14 पटना बनाया गया है। रमाशंकर राय अभी कमांडेंट कम प्रिंसिपल थे सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र दुमराव के, अब इन्हें समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 6 मुजफ्फरपुर के रूप में तैनात किया गया है। अशोक कुमार सिंह एसपी अररिया थे, अब इन्हें समादेष्टा कमांडेंट बना दिया गया है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस महिला सासाराम में। राजीव रंजन टू के बारे में आपको हम बताएं कि ये अभी पुलिस अधीक्षक एसपी एसटीएफ ऑपरेशन में तैनात थे, अब ये एआईजी क्यू बनाए गए हैं। मिथिलेश कुमार प्रिंसिपल सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर, अब इन्हें समादेष्टा कमांडेंट बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल बघा के पद पर तैनात किया गया है। शैलेश कुमार सिन्हा एसपी सिवान, अब इन्हें कमांडेंट बनाया गया है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 16 पटना का। आमिर जावेद देखिए एसपी पूर्णिया थे, अब इन्हें समादेष्टा बनाया गया है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 8 बेगूसराय का। एडिशनल चार्ज समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 19 बेगूसराय। अजय कुमार पांडे ये अभी एडिशनल डायरेक्टर बिहार पुलिस अकादमी राजगीर थे, अब इन्हें समादेष्टा बनाया गया है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 4 डुमराव का, और एडिशनल चार्ज समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 18 डुमराव। सुशील कुमार अभी एसपी आर्थिक अपराध इकाई यूयू में थे, इन्हें सहायक निदेशक एडिशनल डायरेक्टर बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के रूप में पदस्थापित किया गया है। सत्यनारायण कुमार एआईजी ट्रेनिंग बिहार के रूप में तैनात थे, अभी ने समादेष्टा अश्वरोही विशेष सशस्त्र पुलिस आरा में तैनात किया गया है। मनीष जो अभी एसपी क्राइम थे सीआईडी में, अभी ने एसपी बेगूसराय बनाया गया है। उपेंद्र नाथ वर्मा जो अभी एसपी सहरसा थे, इन्हें एसपी पूर्णिया की जिम्मेवारी दी गई है। जगुनाथ रेड्डी एसपी मुंगेर, अब ये दरभंगा के नए सीनियर एसपी होंगे। देखिए समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 4 डुमराव, अब इन्हें सहायक निदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर बनाया गया है। राजेश कुमार जो एसपी मधेपुरा थे, अब ये एसपी होंगे आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के। कार्तिकेय कुमार शर्मा जो शेखपुरा के एसपी थे, ये अब पुलिस अधीक्षक एसपी डी होंगे सीआईडी बिहार पटना में। योगेंद्र कुमार एसपी बेगूसराय, अब ये जो योगेंद्र कुमार एसपी बेगूसराय थे, उन्हें समादेष्टा बनाया गया है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5 पटना का। एडिशनल चार्ज बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 10 पटना। श्रीमती शीला ईरानी अपर आयुक्त पटना नगर निगम पटना, अब यह पुलिस अधीक्षक ERSS बिहार होंगी। बलिराम कुमार चौधरी एडीसी टू गवर्नर महिम राज्यपाल के परिसहाय हैं, इन्हें शेखपुरा का एसपी बनाया गया है। हृदय कांत समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 8 बेगूसराय, इन्हें समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 1 पटना के पद पर तैनात किया गया है। अमितेश कुमार अभी खगड़िया के एसपी हैं, अब ये सिवान के एसपी होंगे। किरण कुमार गोरख पुलिस अधीक्षक बघा अभी तैनात है, अब इन्हें पुलिस अधीक्षक ERSS बिहार पटना के पद पर तैनात किया गया है। देखिए विद्यासागर पुलिस अधीक्षक एसपी वायरलेस बिहार पटना को अरवल का नया एसपी बनाया गया है। राजेश कुमार सिटी एसपी बेस्ट पटना, अब ये पुलिस अधीक्षक होंगे एक्साइज में अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना में। मोहम्मद कासिम जो एसपी अरवल थे, अब इन्हें पुलिस अधीक्षक ई अपराध अनुसंधान विभाग पटना के पद पर तैनात किया गया है। आलोक जो स्टाफ ऑफिसर है अपराध अनुसंधान विभाग में, भारतीय पुलिस सेवा में नव प्रोन्नत है, इन्हें एएसपी एआईजी मॉडर्नाइजेशन बनाया गया है बिहार। ठीक है। हरिशंकर कुमार स्टाफ ऑफिसर जहानाबाद, नए आईपीएस बने हैं, इन्हें समादेष्टा बनाया गया है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 7 कटिहार में। मनीष कुमार सिन्हा जो स्टाफ ऑफिसर है एसटीएफ में, नव प्रोन्नत आईपीएस है, इन्हें पुलिस अधीक्षक सुरक्षा विशेष शाखा एसपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच बिहार पटना में तैनात किया गया है। मनोज कुमार जो स्टाफ ऑफिसर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना में है, नव प्रोन्नत आईपीएस है, इन्हें पुलिस अधीक्षक एसपी विजिलेंस पटना बिहार बनाया गया है। अजय कुमार स्टाफ ऑफिसर पटना जो आईपीएस में प्रोन्नत किए गए, इन्हें
पुलिस अधीक्षक एसपी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पद पर तैनात किया गया है। महेंद्र कुमार बसंतरी स्टाफ ऑफिसर बिहार पुलिस मुख्यालय पटना, नव प्रोन्नत मतलब न्यूली प्रोमोटेड आईपीएस, इन्हें समादेष्टा सह प्राचार्य सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डुमराव के पद पर तैनात किया गया है। बम चौधरी जो अभी स्टाफ ऑफिसर पूर्णिया आईजी ऑफिस में थे, ये अब पुलिस अधीक्षक जी स्पेशल ब्रांच बिहार पटना होंगे। देखिए मदन कुमार आनंद ये भी नव प्रोन्नत आईपीएस ऑफिसर हैं, स्टाफ आईपीएस ऑफिसर हैं, अभी आर्थिक अपराध इकाई में स्टाफ ऑफिसर के पद पर तैनात थे। इन्हें एसपी आर्थिक अपराध इकाई मतलब ईओयू बिहार पटना के पद पर तैनात किया गया है। अशोक कुमार चौधरी स्टाफ ऑफिसर बगहा, न्यूली प्रोमोटेड आईपीएस ऑफिसर हैं, इन्हें पटना का नया ट्रैफिक एसपी बनाया गया अशोक कुमार चौधरी को। अब देखिए आगे बात करें, सागर कुमार सिटी एसपी दरभंगा हैं, इन्हें एसपी खगड़िया बनाया गया है। पूरन कुमार झा अभी एसपी ट्रैफिक पटना थे, इन्हें एसपी नौगछिया की जिम्मेवारी दी गई है। वैभव शर्मा जो सिटी एसपी सेंट्रल पटना थे, इन्हें एसपी साइबर क्राइम ऑपरेशन पटना आर्थिक अपराध इकाई की जिम्मेवारी दी गई है। सैयद इमरान मशहूर जो अभी एसपी ग्रामीण है पटना में, इन्हें एसपी मुंगेर बनाया। संदीप सिंह जो अभी सिटी एसपी ईस्ट पटना के हैं, उन्हें एसपी मधेपुरा के पद पर तैनात किया गया है। अमित रंजन जो सिटी एसपी भागलपुर में है, उन्हें अररिया का नया एसपी बनाया गया है। हिमांशु जो सिटी एसपी गया के हैं, उन्हें सहरसा का नया एसपी बनाया गया है। अरविंद प्रताप सिंह सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, अब ये जहानाबाद के नए एसपी होंगे। श्रीमती प्रेरणा कुमार एएसपी वेटिंग फॉर पोस्टिंग, ये अब गया की सिटी एसपी होंगी। देखिए रोशन कुमार एसडीपीओ लखीसराय आईपीएस प्राधिकारी हैं, अब ये पटना के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक होंगे। अवधेश दीक्षित जो सहायक पुलिस अधीक्षक नगर मुजफ्फरपुर में तैनात है, अब वे सिटी एसपी मुजफ्फरपुर बन गए हैं। भारत सोनी आईपीएस ऑफिसर हैं, एसडीपीओ हैं बार में, अब ये नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पटना में तैनात किए गए हैं। मिस्टर राज ये भी आईपीएस ऑफिसर हैं, अनुमंडल पुलिस प्राधिकारी एसडीपीओ सदर मोतिहारी हैं, अब इन्हें भागलपुर का नया सिटी एसपी बनाया गया है। चंद्र प्रकाश ये एसडीपीओ आरा सदर हैं, अब ये सिटी एसपी सेंट्रल पटना बनाए गए हैं। अभिनव धीमन एसडीपीओ दानापुर अभी हैं, इन्हें पटना के सिटी एसपी वेस्ट की जिम्मेवारी दी गई है। शुभम आर्या एसडीपीओ मसौरी के हैं, इन्हें सिटी एसपी दरभंगा बनाया गया है। अजीत एएसपी भागलपुर, अब इन्हें एसडीपीओ बार की जिम्मेवारी दी गई है। शिखर चौधरी एएसपी सारण, इन्हें एसडीपीओ सदर मोतिहारी के जिम्मेवारी दी गई है। सुश्री दीक्षा भारतीय पुलिस सेवा की प्राधिकारी हैं 2021 बैच की, अभी एएसपी सीतामढ़ी हैं, इन्हें अब एसडीपीओ दानापुर पटना बनाया गया है। परिचय कुमार ये भी 2021 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, अभी एएसपी मुंगेर हैं, इन्हें एसडीपीओ सदर आरा के पद पर पदस्थापित किया गया है। और अंतिम तैनाती भानु प्रताप सिंह ये भी 2021 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, नालंदा में एएसपी हैं, अब इन्हें एएसपी नगर मुजफ्फरपुर का जिम्मा दिया गया है। तो रातों रात नीतीश कुमार ने 79 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले कर दिए हैं। बिहार में सरकार बदलने की तैयारी चल रही है, तो आगे क्या यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।